नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मैक्स वेबर का नौकरशाही संबंधित सिद्धांत या दृष्टिकोण। सबसे पहले हम नौकरशाही को समझ लेते हैं मोटे तौर पर। तो नौकरशाही का कंसेप्ट भी अपने आप में बहुत ही बड़ा है, लेकिन यहां हम मोटे तौर पर समझ लेते हैं कि आखिर नौकरशाही क्या है। तो नौकरशाही एक ऐसी व्यवस्था है जो तार्किकता एवं लिखित नियमों पर आधारित हो। उदाहरण के लिए हम यूपीएससी को ले लेते हैं। यूपीएससी में आईएएस के पोस्ट को, अब इस पोस्ट के लिए एक योग्यता है, और ये योग्यता क्या होनी चाहिए, इस पोस्ट के अधिकारी के पास कौन कौन सी शक्तियां होनी चाहिए, कौन से कार्य हैं और कौन कौन से लाभ या सुविधाएं इस पोस्ट के अधिकारी को दी जाएगी, ये आप या मैं तय नहीं करते। ना ही इसके लिए कोई भेदभाव है या कोई एक विशेष व्यक्ति इसे तय कर सकता है या बदल सकता है, ऐसा नहीं है। इन सब का एक लिखित नियम है कि उस व्यक्ति की क्या योग्यता होनी चाहिए, उस व्यक्ति को कौन कौन से अधिकार दिए जाएंगे, कौन कौन सी शक्तियां होंगी, कार्य क्या होगा, कौन कौन से लाभ या सुविधाएं दी जाएंगी, इन सब का एक लिखित विवरण है जिसके हिसाब से हम चलते हैं। जैसे कि हमारे देश का संविधान, नौकरशाही हर एक सरकार में, हर एक उद्योग में और सेना में भी नौकरशाही देखी जा सकती है। तो ये है नौकरशाही, जो कि लिखित नियमों और तार्किकता पर आधारित होती है। अब बात की जाए मैक्स वेबर की, तो मैक्स वेबर मुख्य रूप से एक समाजशास्त्री हैं और समाजशास्त्र में ही इन्हें पढ़ा भी जाता है, लेकिन इनका ये सिद्धांत है जो मैक्स वेबर को समाजशास्त्र से खींचकर राजनीतिक विज्ञान में ले आता है। जो ये सिद्धांत है मैक्स वेबर का नौकरशाही का, ये आधुनिक विचारकों के द्वारा सबसे ज्यादा माना जाता है, सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, तो इसीलिए हम इस सिद्धांत को पढ़ रहे हैं। तो यहां सबसे पहले आपको भूमिका लिखवा दी जाए, तो यहां आप लिख सकते हैं कि मैक्स वेबर का योगदान बहुत से क्षेत्रों या विषयों में है जिसमें समाजशास्त्र सबसे प्रमुख है, साथ ही अर्थशास्त्र, इतिहास और राजनीतिक विज्ञान में भी इनका योगदान है। मैक्स वेबर के नौकरशाही का आधुनिक विचारकों पर काफी प्रभाव रहा है, और यही कारण है कि मैक्स वेबर ने नौकरशाही का जो आदर्श प्रतिमान प्रस्तुत किया है वह आधुनिक लोक प्रशासन का मुख्य अध्ययन बिंदु बन चुका है। तो चलिए जानते हैं मैक्स वेबर की नौकरशाही। तो यहां आप लिखेंगे, वेबर ने नौकरशाही को घृणित रूप में नहीं बल्कि कुशल संगठन के रूप में रेखांकित किया है। नौकरशाही के आदर्श रूप की विशेषताओं को मैक्स वेबर ने इस प्रकार बताया है। सबसे पहला, स्पष्ट श्रम विभाजन यानी कार्यों का बंटवारा। नौकरशाही में संगठन के सभी कर्मचारियों के बीच कार्यों का सुनियोजित तरीके से विभाजन किया जाता है तथा प्रत्येक कर्मचारी को अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी बनाया जाता है। साथ में यहां आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि ये जो मैक्स वेबर का नौकरशाही सिद्धांत है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अब तक ऐसा कोई भी पेपर मैंने नहीं देखा है जिसमें ये ना हो। तो आपकी परीक्षाओं के लिए ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन आपका तैयार होना चाहिए। तो गंभीरता से इस क्वेश्चन को आप याद कीजिए, इसके नोट्स बनाइए। नेक्स्ट, निश्चित कार्य प्रक्रिया। नौकरशाही संगठन में प्रत्येक कर्मचारी के कार्य करने की निर्धारित प्रक्रिया होती है। सभी कार्य निश्चित नियम तथा प्रक्रिया द्वारा संपन्न किए जाते हैं। नेक्स्ट है पद सोपान पद्धति। प्रत्येक नौकरशाही तंत्र में पदों की एक श्रृंखला होती है, अर्थात
नौकरशाही प्रणाली पदोसोपान पद्धति पर आधारित होती है। यह ऊपर से नीचे की ओर अधिकारियों के बीच संबंध स्थापित करती है। पद सोपान व्यवस्था से ही संगठन में नियंत्रण, निर्देशन तथा कार्यों का विभाजन संभव हो पाता है। नेक्स्ट, लिखित दस्तावेज या आधिकारिक रिकॉर्ड। नौकरशाही की एक प्रमुख विशेषता कागजी कार्यवाही से संबंधित है। नौकरशाही में प्रत्येक कार्य एवं निर्णय लिखित दस्तावेजों के रूप में रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं तथा इन आधिकारिक रिकॉर्डों को भावी संदर्भ के लिए सुरक्षित रख लिया जाता है, जिसमें संगठन के निर्णय तथा गतिविधियां आदि शामिल हैं। नेक्स्ट, अव्यक्तिक संबंध या औपचारिकता। ये हेडिंग्स जो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, तो आप इन दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। तो नौकरशाही का एक अन्य गुण यह है कि कर्मचारियों के बीच संबंध व्यक्तिगत ना होकर औपचारिकता के आधार पर होते हैं। इसमें निर्णय औचित्य के आधार पर लिए जाते हैं, ना कि व्यक्तिगत आधार पर। नेक्स्ट, कार्य कुशलता या योग्यता। नौकरशाही का एक गुण यह है कि इसमें प्रत्येक पद की योग्यता निर्धारित रहती है तथा यह प्रयास किया जाता है कि प्रत्येक पद एक कुशल व्यक्ति को ही मिले जो अपने दायित्वों का निर्वहन करने में एकदम सक्षम हो। नेक्स्ट, निश्चित पारिश्रमिक। नौकरशाही में प्रत्येक कर्मचारी को उसके पद, योग्यता तथा अनुभव के आधार पर निश्चित वेतन के रूप में पारिश्रमिक दिया जाता है। वेतन के अतिरिक्त नौकरशाही के सदस्यों को अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाती हैं। नेक्स्ट, कार्यों को पूरा करने के लिए विधि पूर्वक व्यवस्था। नौकरशाही पद्धति में कार्यों को नियमित रूप से पूरा करने के लिए विधि पूर्वक व्यवस्था की जाती है। कार्य पूर्ण क्षमता के साथ संपन्न हो, इस उद्देश्य से केवल उन्हीं व्यक्तियों को संगठन में नियुक्त किया जाता है जो निर्धारित योग्यता रखते हो। अब ये जो मैंने हेडिंग बताए हैं, अब जरूरी नहीं है कि आप इन्हें सीरियल वाइज याद करें या सीरियल वाइज लिखें। ये ऊपर नीचे हो सकते हैं और हर एक किताब में ये जरूरी नहीं है कि ये सेम हेडिंग हो, इसीलिए आपको कंफ्यूज होने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ इस वीडियो में कोई भी ऐसी लाइन, ऐसा शब्द या टॉपिक जो आपके समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।